नशे का गढ़ बन चुका शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में नशे का कारोबार करने वाले एक सरगना असलम उर्फ मंजा को शहडोल पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके पास से भारी मात्रा में नशे की सामग्री व गांजा बरामद हुआ है। शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी कहे जाने वाले धनपुरी थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार लंबे समय से खूब फल फूल रहा था। शहडोल SP अनिल सिंह कुशवाहा ने अभियान चलाते हुए नशे का कारोबार करने वाले सरगना असलम उर्फ मंजा को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके पास से 13 कार्टून RC कफ सिरप व 15 पैकेट अल्फाजोलम टेबलेट मिली है। साथ ही 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त कर कार्रवाई की गई। एक कार्रवाई हुई है हमारे विभाग में, थाना धनपुरी है। धनपुरी में कच्ची मोहल्ला, तो कच्ची मोहल्ला में मंजा उर्फ असलम नाम का एक युवक है, उसको पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 1 किलो 200 ग्राम गांजा मिला है, 13 कार्टून जिसमें करीब 432 cc है, कफ सिरप है, एक्चुअली कफ सिरप नशे के लिए यूज़ किया जाता है, और नशीली टैबलेट के करीब 15 पैकेट मिले हैं। इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और कल ही एक बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। आपको बता दें कि असलम ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था, क्षेत्र में खुलेआम नशे का कारोबार कर रहा था, जिससे युवा वर्ग इस नशे की गिरफ्त में आते जा रहे थे। इसके खिलाफ पूर्व में भी नशे के कारोबार करने के मामले में कार्रवाई की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, शहडोल।